नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रभु दर्शन करें में। तो चलिए दोस्तों, आइए आज की वीडियो में देखते हैं क्या है खास और हम किस वीडियो के बारे में बात कर रहे हैं। उससे पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, पूरी दुनिया में चिकित्सा विज्ञान के विस्तार और प्रसार के लिए भगवान विष्णु जी ने दिवाली के दो दिन पहले धन्वंतरी का अवतार लिया था, इसलिए दिवाली के दो दिन पहले धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। आपको विशेष बात की ओर ध्यान देना है कि आप कौन सी चीजें धनतेरस के दिन अपने घर में लाएं। दोस्तों, हम अपने घर में धनतेरस के दिन एक चीज जरूर खरीदते हैं। दोस्तों, यह परंपरा बहुत पुरानी चली आ रही है। धनतेरस के मौके पर घर में चीजों को लाया जाता है। ऐसे में मैं आपको कुछ ऐसी पांच चीजें बताने वाली हूँ जिसकी मदद से आपके घर में सुख शांति रहेगी और आपके घर में उन्नति होना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, धनतेरस के दिन सबसे पहली चीज, आप धनिया जरूर खरीदें। दोस्तों, धनिया खरीदना धनतेरस के दिन बहुत शुभ बताया गया है और धनतेरस के दिन धनिया खरीदना धन का प्रतीक माना जाता है। और दोस्तों, धनतेरस के दिन सूखा धनिया खरीदें और फिर उसको मिट्टी में पानी में डालकर एक गमले में लगा दीजिए। जैसे जैसे दोस्तों वो बड़ा होगा, वैसे वैसे आपके घर में पैसा आना भी शुरू हो जाएगा। दूसरा है दोस्तों नमक। नमक खरीदना भी धनतेरस के दिन बहुत शुभ बताया गया है और जब आप दिवाली की पूजा करें उस समय नमक को शामिल करना बहुत जरूरी होता है। तीसरा है दोस्तों कौड़ी। कौड़ी महालक्ष्मी जी को बहुत खुश रखती है और यह माँ लक्ष्मी जी को खुश करने के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक मानी जाती है। और अगर आप दिवाली की पूजा में कौड़ी को शामिल करेंगे तो आपकी पूजा पवित्र रूप से सफल मानी जाएगी। चौथा दोस्तों, कमल कट्टे की माला। अगर आप दिवाली के दिन पूजा में इस माला को शामिल करते हैं तो आपकी पूजा दोस्तों पवित्र मानी जाती है और आपको इस पूजा का पूरा फल जरूर मिलता है और आपके घर में बरकत बनी रहती है। और हल्दी को खरीदना भी धनतेरस के दिन शास्त्रों में शुभ बताया गया है। तो दोस्तों, यह आपका 20 रुपए का खर्च भी नहीं है। अगर आप ये पांच चीजें धनतेरस के दिन खरीद लेते हैं तो आपके घर में खुशियां आना शुरू हो जाती हैं। दोस्तों, इन सभी चीजों को खरीदना ना भूलें। धनतेरस के दिन खरीदें और देखना फिर आपके घर में खुशियां कैसे आती हैं। आपके घर में खुशियां भी आएंगी, आपके घर में बरकत भी होगी और साथ ही साथ आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।